Hint to all the aspirants who gave the serious paper. This is Hartaj from New Careers Academy. Again, my objective here is to solve your serious paper. I'll be doing it 10-10 questions, step by step. मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आपको सबसे इजी तरीका बताना पेपर का. पेपर में आप मैथ्स के पेपर में इजीली 60 स्कोर कर सकते हो. जो क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करूंगा वो है एलजेब्रा के, बिकॉज मेरा मेथड ऑल टुगेदर डिफरेंट है. मैं फॉर्मूला नहीं यूज करता. अगर आपको कभी कोई पूछना हो आप यू नो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई लाइक टू स्टार्ट विद सॉल्विंग द पेपर फॉर द सीरियस. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, बट आपकी प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करते हैं कि आप एक तो चीज यू हैव टू स्टे वेरी काम वाइल डूइंग द पेपर. यू कैन नॉट बी फ्लस्टर्ड वाइल डूइंग द पेपर. अ लॉट ऑफ यू क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा लोग टेंशन में आ जाते हो. अब पहला क्वेश्चन करते हैं. अ क्लोज बॉक्स इज बिल्ट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है, इनर सर्फेस एरिया दिया हुआ है. सर्फेस एरिया ऑफ अ बॉक्स इज प्लस एलएच. अब अगर हम कोई भी बॉक्स बनाएंगे उसका ऑफ कोर्स थिकनेस कम होगा. वो कितना है? 376, विच इज इक्वल टू 188. दैट इज एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच. आपको आउटसाइड डायमेंशन दिया हुआ है 12, 10 और 8. हम ऑप्शंस ले लेते हैं. से फॉर एग्जांपल हम 1 या 2 में से देंगे 12. अगर हम ये आपके पास लेंथ है दोनों साइड से, अगर हम कैंसिल करेंगे 12 क्या हो जाएगा? 10. सिमिलरली 10 क्या हो जाएगा? 8. 8 क्या हो जाएगा? 6 into 8 प्लस 10 into 6. अब हम वेरीफाई करेंगे क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, विच एक्चुअली कम्स आउट टू बी करेक्ट. सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू सॉल्व इट. ये स्मार्ट क्वेश्चन था. अगर हम अलजेब्रा बना के करेंगे तो वो लेंथियर हो जाएगा. एक्स वाई जेड आर थ्री इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. ये बहुत सिंपल है. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको पता है √3/4 a² है, तो √3 तो 4 कॉमन हो जाएगा. दोनों साइड्स पे √3/4 है वो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा आपका? x² + y² दैट इज 6² + 8² विच इज इक्वल टू 10² तो जो आपका z है वो 10 आ जाएगा बिकॉज एरिया रिमेन्स इक्वल टू एरिया. अगेन अ वेरी सिंपल. अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर. दैट मींस रेडियस आपका 105 मीटर्स है. इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. अगर हम बात करें, हमारा टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर, बिकॉज सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है. 2 into 22 upon 7 into 105 बस अपॉन स्पीड. स्पीड आपके पास थी 6000 मीटर्स. बिकॉज वो मिनट्स में पूछता है तो इसको आवर को 60 से कर देंगे. 0 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 100. 15 15 into 2 is 30. 30 into 2 is 660 upon 100. आंसर वुड बी 6.6 मिनट्स. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एक साइड आपके पास 2√3 गिवन है. उसमें हमने एक सर्कल इंस्क्राइब किया. वो पूछता है ये जो एरिया बचा सर्कल को छोड़ के, ये वाला एरिया, इसका एरिया क्या होगा? पहले तो अगर ये 2/√3 हम यहां से मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं जो परपेंडिकुलर भी होगा, ये √3 आ जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं. 2√3 का स्क्वायर होता है 12. √3 का स्क्वायर 3, 9. 9 किसका स्क्वायर हो गया? 3. अब मीडियन थ्योरम के हिसाब से ये 2 है और ये 1 हो जाएगा बिकॉज ये 3 है. तो एरिया क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल. रेडियस आपके पास 1 आ गया. इसको सॉल्व किया हमने तो ये क्या बन जाएगा? √3/4. 2√3 becomes 4 into 3 माइनस पाई. 4 4 गेट्स कैंसल. 3√3 - π. ब्रावो, आपका आंसर हो जाएगा. 1 मिनट से कम के क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? s × s − a × s − b × s − c. s का वैल्यू है a + b + c/2, जो कि आपका हो जाएगा 3x + 39/2. अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे लंबा पड़ जाएगा, तो हम ऑप्शंस ले लेते हैं. ये हिट एंड ट्रायल से है तो ये 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा.
अगर हम 15 लेते हैं ये हो जाएगा आपका, और अगर आप देखोगे आपको हमेशा ऑड टर्म ही लेना पड़ेगा, सिर्फ दो टर्म्स में से हो सकता है, बिकॉज अगर सपोज मैं 16 लेता ये पॉइंट्स में आ जाता तो वो, और जो आपका एरिया है वो प्रॉपर किस में है, परफेक्ट स्क्वायर्स में है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इन दोनों में से ऑप्शन होएगा। अगेन एज आई सेड, ऑप्शंस इन केस में इजियर रहते हैं। 5 into 13 इज 45, 45 plus 39 84 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 42। अब ये चीज इसमें पुट की 42, एक्स आपके पास 15 है तो कितना हो जाएगा 27, दूसरा क्या है 15 plus 13 28 तो क्या बच जाएगा 14, 15 और 26 1। अब इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7 into 6 into 3 cube into 2 into 7, 7 into 3 square into 2 आ जाएगा, जो हो गया आपका 7 into 2 into 9, 14 into 9 126, जो इस सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, दैट इज योर आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल थ्रू ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट्स एट ई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने बोला एबीसीडी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर ये 110 है ये 70 हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स वुड बी 180, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, ऑपोजिट एंगल्स वुड बी इक्वल, अगर ये 110 है ये 70, अगर ये 70 है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका 110, तो ये एंगल आपका 40 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180, अगर ये 110 है ये 70 है, ये 70 ये 40 तो ये भी 70 हो जाएगा, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए डी, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी डी इज इक्वल टू डी ई, सी डी इज इक्वल टू डी ई यू कैन नॉट प्रूव इट, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जस्ट द डायग्राम यू हैड टू ड्रॉ, नथिंग एल्स। नाउ वी कम टू दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच इज करेक्ट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंगल बाइसेक्टर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज करेक्ट, ये आपके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने मार्क्स नोट्स में मार्क किया हुआ है। एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल व्हिच इज अगेन करेक्ट, सो ऑल 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच एबी इज पैरेलल टू डीसी, द वर्टिसेस एबीसीडी पास थ्रू अ सर्कल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ये 50 हम मान लिए तो ये आपका 130 हो जाएगा, ये 130 और ये आपका हो जाएगा 50। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो अगर ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, हम अज्यूमिंग से कर लेते हैं आपके लिए, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस इज 180। अगर ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। AD is equal to BC, yes, आप कोई भी perpendicular draw करोगे तो AD is equal to BC ही आएगा, because angles आपके same हैं। Angle A plus angle C is 180, correct, cyclic parallelogram है ये, cyclic quadrilateral है ये, angle A plus angle D is also 180, yes, ये क्यों correct है, क्योंकि ये दो lines parallel हैं, तो all three is correct। Moving ahead, question number 9, ABCD is a cyclic quadrilateral, AB and CD produced meet E at F. Again, ये cyclic quadrilateral है, ABCD E पे meet करता है. हम इसको ABCD मान लेते हैं, ABCD produced at E. अगर हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज ये 60 है, तो ये हो जाएगा आपका 120. ये 30 है, और say for example, इसको 70 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 110. EBC is similar to triangle EAD. E तो सेम है, yes, हम agree करते हैं, E same है. EBC is similar to EAD. अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, which is not correct. अगर ये 70 है ये 60 हो जाएगा. EBC is similar to triangle EAD, which is correct. अगर हम इसको nomenclature को follow करें, एंगल सी बी ई, सी बी एंड ई विच इज 60, एंड एंगल डी ए ई 60 plus 70 is 180, सो इसमें ओनली करेक्ट हो जाएगा 1. अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो ये गलत हो जाता है, बिकॉज एंगल ई तो सेम है पर एंगल जो बी है वो एंगल ए के इक्वल नहीं है. क्यों? ये तो कोई भी डिफरेंट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है,
मैं इसमें एंगल्स भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, यू गेट अ बेसिक आइडिया। अगर हम एंगल्स भी चेंज करते हैं तो इससे कोई ये कभी प्रूव नहीं हो सकता। सो यहाँ पे अगर वो नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बेटर यूज कर लेता और इट वुड हैव यूज्ड नॉमेनक्लेचर इन द राइट सेंस, आई वुड हैव सेड इट इज करेक्ट। अगर हम इसको एंगल अब चेंज कर देते हैं, हम इसको मान लेते हैं आपका 50 है, ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 40, अगर ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा। अगर ये 140 है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। पर ई ए डी हैज टू बी सिमिलर टू एंगल ई बी सी। अगर ये 40 है और ये ई सी बी होता तब होता, बिकॉज सी यहाँ पे 40 है, ये यहाँ पे 40 रहेगा। तो यहाँ पे इसको ठीक बहुत पास से अगर आप देखोगे, इन्होंने नॉमेनक्लेचर नहीं मेंशन किया, सो नीदर वन नॉर टू। सेकेंड, ये 10th क्वेश्चन ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल्स में ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है आपके पास ई बी सी, बुक के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है। आपके पास एक इंटरसेक्शन है डी ई जो पैरेलल टू बी सी है, ये क्या करती है, दो इक्वल एरियाज, द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स अ ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर ये 10 है तो ये 10 है, साथ में सिमिलर ट्राइंगल होंगे बिकॉज ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। दैट मीन्स ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। अब अगर आपको आता है तो ये इजी है। अब अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज क्या हो जाता है, ए डी अपॉन ए बी, एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:2, तो साइड का रेशियो हो जाएगा इसका अंडर रूट। अगर एरिया 1:2 है तो साइड अंडर रूट हो जाएगा। ए डी आपके पास आ जाएगा 1 और आपके पास ए बी आ जाएगा √2। अब उसने पूछा है बी डी बाय ए बी क्या हो, बी डी कैसे बना है आपके पास, बी डी बना है ए बी माइनस ए डी अपॉन ए बी। ए बी वॉज √2, ए डी वॉज √1, सॉरी 1 एंड ए बी इज √2, सो व्हाट्स योर आंसर, 1। कंटिन्यू विद दिस, एज आई सेड मैं आपको आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चंस। अभी मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन, बट सच में ये क्वेश्चंस लेस देन अ मिनट थे। ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है आपके सामने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 4 क्वेश्चन तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं। I'll be continuing with these questions step by step and solving every question for you so that you get the best idea of how to solve it in a better way. Again, wishing you all the best.